उठो, 6:30 हो गए। गजब बेइज्जती है। तो 3 साल जो है इससे बस घूमता है वो और सिर्फ चलती। क्या हुआ? हेलो माय ब्यूटी फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। हाउ आर यू? आई होप कि आप सब बड़े होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मैं भी मस्त हूँ। और आज है बैसाखी और आज से बैसाख का महीना भी शुरू हो जाता है। बच्चों की तो आज है छुट्टी, बच्चे कह रहे थे आज हम अपना काम करेंगे, जो कल बुक्स वगैरह लेके आए वो कवर वगैरह चढ़ाना है, इन्हें वो करना है। और अभी तो खैर आराम ही कर रहे हैं, ये सोई है। अब बिज्जू तो खैर उठ गई है, नहा धो लिया है और पूजा भी नहा रही है बेटा, और पूजा भी नहा रही है। गौरी अभी गौरी उठ जाना बेटा टाइम से, बाय बाय। तो मैं भी चलता हूँ शॉप को और फिर मिलते हैं आपसे अभी थोड़ी देर बाद शॉप पहुँच के। तो फ्रेंड्स आज मैंने आपको बताया था कि बैसाखी है, तो जरा ऊपर जाते हैं मंदिर होकर आते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग तो आ गए थे मंदिर से और अब यहाँ गौरी और मम्मी है रेडी मंदिर जाने के लिए। ये कुंभ राशि के हैं दोनों जने, इनको बाया पैर गया है। तो आज बैसाखी का दिन है, तो आज जिनको जैसे पैर होता है बाया पैर वगैरह, वो चांदी का पैर बनाया जाता है और दही और चावल दिया जाता है। क्या बेटा? हाँ हाँ हाँ, आधा एक आ चुका है मंदिर से। और क्या बड़ी जल्दी आ गए? अच्छा, क्या नाश्ता ले आएगा? तो मम्मी लोग मंदिर से आने के बाद नाश्ता भी ले आए हैं मिले, और अब मैं करता हूँ नाश्ता। तो नाश्ते में आज आई है हमारे पास पूरी, आलू बड़े, नाश्ता वगैरह हो गया है फिर। और अब ये है थोड़ा सा सामान वगैरह है, ये कोल्ड ड्रिंक वगैरह मैंने कहा जरा फ्रिज में लगा देता हूँ, ये रखी हुई है यहाँ कोल्ड ड्रिंक है, तो अब इनको लगाते हैं फ्रिज में। तो फ्रेंड सामान वगैरह सब लगा ही दिया है अभी फ्रिज में, यहाँ भी सब ओके कर दिया, यहाँ भी कर दिया है। हेलो वन भाई पहुँच गए, मैंने कहा तुम्हें याद नहीं है, फोन कर। अब मम्मी भी आ चुकी है, तो अब मैं जाता हूँ घर को। मम्मी चल रहा हूँ फिर। दोबारा क्या आ गया तू अभी? अरे वो चावल का कट्टा, चावल पूजा चावल खत्म हो रहा करके चावल ले आता। अच्छा, अरे घर भी नहीं पहुंचा था मैं, वो कहता पूजा का फोन आ गया यहीं पर से। मैं तभी तो भाग भाग के वापस आया। तू आ घर में सोया है बेटा, गर्म बहुत हो रही ना। हेलो पूजा, ये लो तुम्हारा चावल का कट्टा। क्या कर रहे हो गया रेडी? अच्छा चलो करो फिर। हेलो बेटा गौरी, आराम से खोलना, हाथ कटे भाई, चलो खोल दू। गजा है? अरे तुझे वो ट्यूशन गई है? हाँ। मैंने सोचा क्या होता, मैंने सोचा कि मैं आपकी टी शर्ट ले लेता हूँ। कौन सी वाली? सारी टी शर्ट ले लो, मैं क्या पहनूंगा? तुम पहनी तो है। क्या यार, एक तुम पहन लो, एक कहते मम्मी पहने, एक बिज्जू पहने, बस मेरे को ऐसी कर छोड़ दो। बहन तो दूसरी ले आऊंगा यार, मार्केट जाएंगे तो ले। खाना लग गया क्या मेरा? हाँ, ये किंग का है, लग गया उनके लिए, वो वहीं कमरे में है शायद, मैं देखता हूँ। ठीक है आप कब खाओगे? अच्छा ठीक है, आप भी आ गए दादी, कब आए? अच्छा पापा कहाँ हैं? आप यहीं पे काम कर रहे हो अभी? क्या काम कर रहे हो, एडिटिंग वगैरह कर रहे हो? खाना लग गया आपका? मम्मी डांट रही कह रही खाना खाओ, कर दो चुपचाप पापा से, वरना खाना वापस ले जाऊंगी कह रही है मम्मी। खाना वापस ले जाऊंगी कह रही। तो कब आए फिर?
अभी तो आई 12:30 बजे बोला छुट्टी के लिए, 2 बजे छोड़ रहे हैं। मैम मेरे सनक्रीम ले आना, मैं काली हो जाऊंगी बाहर। हाँ यार बाहर कितना हो रहा ना, उस तो जो भी लू इतनी चल रही है, स्कूटी ऐसे हिल जा रही है, मतलब वो एक तो हल्की स्कूटी है। तो खाना भी लग चुका है और खाना वाना खा लेते हैं। गौरी तो खा रही है, खा भी लिया गौरी ने, तो दिन का भोजन भी हो चुका है। और अभी ये किंग को खिला दिया था मैंने, इसको घुमाने आया था बाहर को, मैंने कहा जरा ओटी ओटी कर लेगा। तो इस वक्त बाहर इतनी गर्मी है इस समय फ्रेंड, कम से कम 45-46 डिग्री कहते हैं मतलब टेम्परेचर है इस समय यहाँ पर का। हालत खराब हो जा रही है, बाहर जाने में ऐसा लग रहा है जैसे जल जाए, जल इतना भयंकर हो रहा है मौसम। तो फ्रेंड्स अब करते हैं फिर, हम भी थोड़ी देर काम वाम करता हूँ, फिर मिलते हैं आपसे अब शाम को। ओके बाय बाय। चलो 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 आराम से बैठ जाओ अंदर, इसको भी लगने लग गई है बाहर गर्म। अब मैं भी आ गई हूँ अभी अकेडमी से, मम्मी गई है दुकान, दीदी बैठी है यहाँ, और 6 बजे मैं आती हूँ, 6:30 हो गए हैं। मतलब मैं दुकान में बैठ गई थी थोड़ी देर, और ये पापा अभी तक सोए हैं। पापा गजब बेइज्जती है। उठो, 6:30 हो गए, 6:30 हो गए, आज तो मम्मा आपकी हिम्मत लगाएगी। तो फिर शाम भी हो चुकी है और मैं आज हो गया हूँ लेट, ऐसी नींद जैसी आ गई थी मेरे को आज झपकी है, तो सोए रह गया, बच्चे भी आ गए थे और ये किंग भी हमका इंतजार कर रहा है अपनी। और बस अब मैं भी इसको ट्रीट वगैरह दे के जाता हूँ शॉप को। बिजू पढ़ाई चलिए बेटा, पढ़ो फिर पढ़ो। हाँ गौरू आटा उला। तो गौरी यहाँ शाम के आटा उलने की भी तैयारी कर रही है और दिया बत्ती कर दी बेटा। हाँ, तो हाथ में घुटने में दर्द हो रही है। अब क्या हो गया? हाँ, और कहाँ भचक गई? अब क्या कहते हैं, वो अकेडमी से आ रहा था, अचानक एक अंकल ने स्कूटी बाहर को निकाल दी, मैंने साइकिल आगे को भगा दी। तो क्या गिरी तो नहीं? ना, पीछे वाला टायर उछल गया। नहीं हो रहा, आटा नहीं उल रहा था, मम्मी से कह देना। नहीं नहीं, आटा उसके हाथ में क्या दे दिया, उसके हाथ में हो रही कह रही हो। कितना मना मना, मैंने कहा मैं जबरदस्ती निकाल के ले गई। शॉप में हेलो 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 हेलो, क्या हाल है? आप बहुत समय बाद दर्शन दिए तुमने यार। शायद जैसे क्या लग रहा है मेरे को? चलो आओ फिर आओ भाई। नमस्कार नमस्कार, हेलो नमस्कार आंटी जी। ये क्या आ गया अभी? काजू बादाम गोला छाटे थे, गोले देखे साफ है, है? शॉप भी कराया क्लोज। और अब मैं पहुंच चुका हूं घर, तो बच्चों की डिमांड थी, कह रहे थे कि आइसक्रीम खानी है, तो मैंने कहा भैया अभी तो कहीं नहीं जाना है और आइसक्रीम ले आए उनके लिए यहीं घर पे। हेलो, आज कोचिंग सेंटर यहीं खोल दिया क्या है? इनको लो, इसको भी जमाने के लिए। अरे यार ये घड़ी के लिए यार, तो निकाल लेगी हाँ, तो देख लेना यार आराम से। कितने बज रहे हैं? तो 7 बज रहे हैं इसमें, तो घुमाने के लिए। हाँ इसमें 3 सेल इसको घुमाने के लिए और 1 सेल बस इस घड़ी के लिए। हाँ ऊपर से बटन मार लो, ये देखो 3 सेल जो है इससे बस घूमता है वो, और सिर्फ चलती घड़ी इस 1 सेल से। क्या हुआ? निकल गई बट ऐसी होता है, लेकिन देखो घड़ी चला दी मैंने, वो चलने नहीं थी, तो नया सेल लगा के तो घड़ी चलेगी चलेगी। तो फ्रेंड्स कहते काम करते करते समय का पता ही नहीं चला, अगले दिन की मॉर्निंग का करते हैं तैयारी, और आज का ब्लॉग भी करते हैं समाप्त। गुड नाइट, शुभ रात्रि, नमस्कार, कल मिलते हैं नए ब्लॉग में। बाय बाय।